जय श्रीमन्नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 39। इच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन न तदस्ति विनायत स्यात् मया भूतं चराचरम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग ना विभूति योग सिखा रहा। परमात्मा कह रहे अर्जुन, मैं सभी जीवों का मूल कारण हूँ। सभी प्राणियों में से कोई भी, चाहे वो गतिशील हो या स्थिर हो, मेरा अस्तित्व कभी ना को नहीं रह सका। जया श्री कृष्ण परमात्मा कह रहा कि वह सभी प्राणियों का बीज है और कह रहा कि सभी परिस्थितियों में इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी कोनी जिका वो अंतर्यामी न हो। इसलिए माने इस तत्व ने याद रखना चाहिए, चाहे मैं किसी वस्तु में, चाहे कोई भी अवस्था में देखा, चाहे मैं किसी भी जीवित प्राणी में कोई भी अवस्था में देखा, श्री कृष्ण परमात्मा उना की अंतरात्मा है और श्री कृष्ण परमात्मा मारी भी अंतरात्मा है। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण का प्रति समर्पण करके अपने जीवन ने सार्थक बनाने को प्रयास करता हुआ आओ मैं श्री कृष्ण परमात्मा का शब्दाना श्लोक का रूप में दोहराने को प्रयास करा। इच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विनायत स्यात् मया भूतं चराचरम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मन वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन कर, मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिषे वचनम त्व, जिको अर्थ कृष्ण मैं बहिया ही करूँगा जया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान कर। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ई 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ कोनी जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपना दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन्नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहले वचन, हे श्रीमन नारायण, जया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारा में सोचूँगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जया थे अनुसरण करना बोला था मना पूरो विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचो वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, मन थारा सब माँ सुचाहा याद आवा थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातो वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो, मैं कम से कम 1 श्लोक पढ़ना या सुनना को वादो करूँ। मारो आठो वचन, हे श्रीमन नारायण,
थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित है। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। इच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन न तदस्ति विनायत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। ओम। इच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विनायत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्ता से विशेष अनुरोध, मैं अपना जीवन में सारी चीज़ा से तुरंत और सफल परिणाम चाहवा। इन्हें प्राप्त करने के लिए रोज 1 मिनट खर्च करना पड़ेगा और नारायण स्त्रोत को पाठ करना पड़ेगा। नारायण स्त्रोत को प्राप्त करने के लिए नारायण स्त्रोत वेबसाइट पर जाओ जो कि www.narayanstrot.org है और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करो। थारा द्वारा प्रदान के ईमेल पर थाना नारायण स्त्रोत PDF प्राप्त हो जाओगे। PDF में 1 रामायण, 1 गीता श्लोक और 1 विष्णु नामा, ये तीनों न मिलाकर नारायण स्त्रोत कहो जावा। हर कोई न इस श्लोक को एक अलग संयोजन मिला। जब 24,000 भक्ता का साथ हर कोई रोज नारायण स्त्रोत को पाठ पढ़े या सुने तो संपूर्ण रामायण पारायण की 1 माला, श्रीमद भागवत गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के स्त्रोत की पारायण की 24 माला रोज पूरी होगा। यह इतनो उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन अहिया करने से समान आवा। इसलिए थे और थारा परिवार का सदस्य तुरंत जाओ और अपना नारायण स्त्रोत प्राप्त करो। जय श्रीमन नारायण।